हेलो गाइस, मेरा नाम रवीश है और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दुबई के अंदर आना चाहते हैं तो आप मोस्टली जो है सबके अंदर क्या सवाल होता है, मैं वन बाय वन करके आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो रेगुलरली पूछते रहते हैं मुझसे, तो मैंने कुछ नोट डाउन करके रखा है, उसका मैं वन बाय वन करके आपको आंसर दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको मोस्टली सब चीज के बारे में पता चल जाएगा कि दुबई में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, दुबई में आने के बाद क्या करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें ताकि मैं इसी तरीके के कंटेंट क्रिएट कर सकूं। सबसे पहला जो मन के अंदर आता है ना, वो ये आता है कि मुझे दुबई में जाके जॉब करना है। अच्छी बात है, दुबई में जॉब करना चाहते हैं क्योंकि इंडिया के अपेक्षा दुबई में सैलरी बहुत अच्छा है। सैलरी की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट डबल मिल जाता है। अगर इंडिया में आप 20,000 कमा रहे हैं तो ऑफिस से बात, अगर इधर आके आप जॉब करते हैं तो 40,000 तो आराम से आपको मिल जाएगा। तो सैलरी जो है रियली जो है डबल है। जब मैं भी दिल्ली में काम करता था तो 20-25 हज़ार कमाता था और दुबई में आने के बाद से मेरा सैलरी 60,000-70,000 ऐसे हो गया। मतलब अगर इंडियन करेंसी की बात की जाए तो, अगर दुबई में करेंसी की बात की जाए तो 3,000-3,500 हो जाता है। सेकंड जो बहुत सारे लोगों के मन में होता है ना, कि मोस्टली मेरे जो फ्रेंड है वो पूछते रहते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है वो जॉब करना चाहता है। अगर डायरेक्ट पूछना है तो आप डायरेक्ट पूछें, क्योंकि दुबई में जॉब करने के लिए हिचकिचाने वाला कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जिनको नॉलेज नहीं है वो लेबर का भी जॉब करते हैं, जिनको बहुत नॉलेज है वो अपने एजुकेशन के हिसाब से जॉब करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो दुबई में आ रहे हैं वो सब लेबर का ही जॉब कर रहे हैं। एजुकेशन के हिसाब से, आपका जितना क्वालिफिकेशन है, जितना एजुकेशन, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलता है। बहुत सारे लोग 1,000-1,200 भी काम करते हैं, जैसे मैं काम कर रहा हूँ। मेरा एजुकेशन बहुत ज़्यादा हायर लेवल का नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी 3,000-3,500-4,000 तक मैं अर्न कर लेता हूँ पर मंथ। और जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, उनका सैलरी मोर देन 10,000 दिरहम होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशन कैसा है और फैसिलिटीज आप किस हिसाब से ले पाते हैं, क्या आपका सैलरी पैकेज रहता है। तो वो ओवरऑल जो डिपेंड करता है ना, वो आपके एजुकेशन पे डिपेंड करता है। दुबई कोई खराब नहीं है, दुबई में बहुत सारे लोग आकर के यहाँ पे जॉब करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तीसरा जो सबके मन में ख्याल होता है कि दुबई आने से पहले मुझे क्या क्या करना चाहिए, मैं आपको वन बाय वन करके बता देता हूँ। दुबई आने से पहले सबसे पहले तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि दुबई में कौन कौन से प्लेसेस हैं। गूगल पे, इंटरनेट पे आपको जो है यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो आप देख करके सीख सकते हैं। वीजा के लिए क्या करना पड़ेगा, टिकट के लिए क्या करना पड़ेगा, अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, मुझे दुबई में आने के बाद से कौन कौन से एरियाज वगैरह हैं, कैसे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, रिज्यूम किस हिसाब से बनाना पड़ेगा, सिम के लिए सिम कौन सा लेना, वहाँ पे किस तरह के सिम चलते हैं। क्योंकि मैं भी जब यहाँ पे आने वाला था तो मैं हमेशा सर्च मारते रहता किस तरह का सिम चलता है, मतलब कौन सा कंपनी है। तो मुझे पता चला डू और इतिसलात करके दो कंपनी है, कितने रुपए में सिम मिलता है, 10 दरम में सिम मिल जाता है और उसमें एक्स्ट्रा आप 35 दरम या 25 दरम रिचार्ज करा सकते हैं। नेट जो है 25 दरम में अनलिमिटेड आ जाता है यहाँ पे। पहले की बात बता रहा, जब 2017 में मैं आया था तो उस वक्त जो है 25 दरम का रिचार्ज करा रहा था, मुझे ज्यादा स्पीड नहीं मिलता था, 192 kbps के हिसाब से मिलता था, लेकिन अनलिमिटेड होता था 30 डेज के लिए, जो कि व्हाट्सएप यूज करने के लिए और गूगल मैप यूज करने के लिए काफी सफिशियंट है। चौथा जो सब लोगों के मन के अंदर क्वेश्चन होता है ना, वो मैं आपको बता दूं कि आपको पूरा 3 मंथ का प्लान लेकर के आना है। दुबई आने से पहले जो भी आप प्लान बनाएंगे ना, वो पूरा प्रॉपर 3 मंथ का प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने या 2 महीने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है आप 3 महीने के बाद ही जाएंगे। प्रॉपर 3 महीने का प्लान बनाने का मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको जो बेसिक जरूरत का सामान है, जैसे शैम्पू, साबुन हो गया, या आपका जो ड्रेसेस हो गया, जैसे व्हाइट ड्रेस, व्हाइट शर्ट में 2 लेकर आया था, पैंट 2 लेकर आया था, जो आपका बेसिक यूज का सामान है जो आप ला सकते हैं, चादर वगैरह हो गया, तकिया खोली हो गया, जो आपका अदर एक्सपेंसेस में आता है, साबुन, सर्फ हो गया, थोड़ा थोड़ा आधा आधा किलो मैंने लिया था, साबुन जैसे 4 पीस मैंने रख लिया था, ताकि आपको स्टार्टिंग में आते आपको जो है कुछ परचेज नहीं करना पड़े। आप सुबह से लेके इवनिंग तक जो भी आपका बेसिक नीड है, जो आप अपने घर पे भी यूज करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा आप रख लें, जैसे ब्रश हो गया, कॉलगेट हो गया, ये सारी चीजें आप लेकर आएंगे ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए, साबुन, शैम्पू वगैरह, तो आपको यहाँ पे आकर शुरू में परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो आपका एक थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा, अदर एक्सपेंसेस थोड़ा कम आएगा, अगर आपके पास कुछ 3 महीने का आइटम रहेगा आपके बैग में तो। और शूज वगैरह भी, ब्लैक शूज वगैरह भी आप इंडिया से लेकर आए, मतलब यहाँ पे शुरू में आकर आपको कुछ परचेज ना करना पड़े, आप इंटरव्यू के लिए इजीली जा सकते हैं रेडी हो करके। तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करके पहले से आएंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, और वो भी 1 महीने के लिए नहीं, टोटल 3 महीने के लिए आपको लेकर के।
पांचवा क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते रहते हैं कि दुबई आने का राइट टाइम क्या है, तो मैं आपको बता दूं दुबई आने का जो राइट टाइम है वो मोस्टली तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सारे राइट टाइम होते हैं। अगर आप सितंबर के टाइम में आ रहे हैं या नवंबर के टाइम आ रहे हैं तो आपका जो है सबसे बेस्ट टाइम रहेगा दुबई आने के लिए, क्योंकि उस समय जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारे भर भर के होते हैं और उस समय वेदर भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप नवंबर दिसंबर के टाइम में जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए या इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, मौसम काफी ठंडा रहेगा, इजिली आप मेट्रो का इस्तेमाल करके, बस का इस्तेमाल करके जा सकते हैं, ज्यादा पानी वगैरह आपको नहीं पीना पड़ेगा और काफी बेटर मौसम होता है, बहुत अच्छा सुहावना मौसम होता है आपका नवंबर दिसंबर का। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कभी भी अगर आप दुबई आना चाहते हैं खास करके जॉब सर्च करने के लिए, तो आप इस मौसम के दरमियान आए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसके बीच में आप आएंगे ना तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये दुबई में भी जॉब करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है, मोस्टली जितने भी लोग होते हैं वो इसी टाइम पे आते हैं यहाँ दुबई में जॉब सर्च करने के लिए, घूमने के लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना नवंबर दिसंबर के टाइम पे आए, उस समय जो है ना सबसे बेस्ट मौसम होता है, उस समय जॉब खोजने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जो छठा क्वेश्चन है वो दुबई में आने के बाद करना क्या है। दुबई में आने के बाद आपको सबसे पहले तो बेड स्पेस के लिए सर्च करना है। आप जब मेट्रो स्टेशन पे आएंगे तो मेट्रो स्टेशन पे आपको मेट्रो कार्ड ले लेना है। मेट्रो कार्ड लेकर के आप बुर्जुमान जाएं। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है 750 या 800 दरम तक है तो आप बुर्जुमान जा सकते हैं। शुरू में मैं भी जब यहाँ पे आया था तो सबसे पहले मैं बुर्जुमान गया था, लेकिन मेरा बजट उतना अलाउ नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ पे वाकई बहुत एक्सपेंसिव है, जो बेड स्पेस वगैरह भी मिलता है 750 से तो स्टार्टिंग है वहाँ पे। वैसे आप सर्च कर सकते हैं अपने इच्छानुसार। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि आप जो है यूनियन के तरफ चले जाएं, ओल्ड दुबई, वहां पे आपको 400, 500, 600 दरम का इजिली बेड स्पेस मिल जाता है, वो भी काफी अच्छा। बहुत बुरा लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाता है 300 दरम का, लेकिन मैंने जो प्रीफरेंस दिया 400 दरम में मुझे काफी अच्छा मिल गया बेड स्पेस और उसमें मैं आराम से इजिली रहने लगा। उसके बाद से आपको सिम लेना है। अगर आप एयरपोर्ट पे ले लेते हैं या आप मेट्रो स्टेशन के आसपास ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जब रूम ले लें, आप रूम में आने के बाद से आपका पासपोर्ट आप लेकर के जाएंगे तो आपको एक सिम मिल जाएगा 10 दरम का। पासपोर्ट आप दिखाएंगे तो आपका पासपोर्ट देख करके वो सिम दे देगा, आपका सिम मिल जाएगा। सिम मिलने के बाद आपको सेकंड काम करना है आप फूड के लिए आप वहाँ पे आसपास में पता कर लें, आराम से नहा धो के फ्रेश होकर के आप अगल बगल पता कर लें कौन सा रेस्टोरेंट है, क्या प्राइसेस वगैरह चल रहा है। बहुत सारे जगह 350 चलता है, 400 दरम भी चलता है। अगर आप सस्ते में लेना चाहते हैं तो कुछ मेस वाले आते हैं 250 दरम में भी 3 टाइम का 2 टाइम का देते हैं। तो अपने इच्छानुसार जो भी आपको बेटर लगता है, जो भी आपको बेस्ट लगता है, उस हिसाब से आप मेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे तीन जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो पूरा हो गया, रहना सेम हो गया और फिर खाना हो गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको जो है ना रिज्यूम जो भी आप वहां से लेकर आएंगे, जो भी फॉर्मेट लेकर आएंगे, उसमें आपको फोन नंबर डालना है। उसके बाद बहुत सारे प्रिंट आउट ले लेना है, तकरीबन 25-30 प्रिंट आउट आपको ले लेना है। फिर आपको जो है साइबर कैफे में जा करके टॉप 10 साइट्स जो भी है दुबई का, वहां पे जा करके आपको अपना मोबाइल नंबर और जो भी रिज्यूम का आपका PDF फाइल है वो आपका अपलोड करके और वहां पे आपको जॉब के लिए डाल देना है। वो से फायदा तो ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको इतना करना पड़ेगा। वो करने से भी आपको कुछ कभी कभी कुछ जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जो है आपको कॉल्स वगैरह आते रहते हैं और उससे भी आपको कुछ जो है पता चल जाता है। और मेरा फ्रेंड है वो पूछ रहा था कि बेड स्पेस, फूड का और अदर एक्सपेंसेस टोटल मिला के कितना आता है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, मैं आई बटन में डाल दूंगा, वो भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे पूछना चाहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ कि फूड के लिए आप ओवरऑल मान के चले 350 to 400, 500 आप मान के चले, 500 दरम आप फूड के लिए रख लें, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस भी हो जाता है, कभी आप चाय पीने का मन करेगा, कभी आपका स्नैक्स खाने का मन करेगा, तो आप 500 मान के चले। बेड स्पेस का वैसे तो 400 दरम में भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप 100 दरम एक्स्ट्रा लेके चलें, क्योंकि उसमें कभी नेट लेना पड़ता है, कभी पानी के लिए एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा, तो आप 500 दरम रहने का, 500 दरम फूड का हो गया और अदर एक्सपेंसेस। दुबई में आने के बाद ऑब्वियस बात है आप जब जॉब के लिए जाएंगे तो आपको मेट्रो कार्ड चाहिए, मेट्रो कार्ड में रिचार्ज चाहिए, बस इस्तेमाल करेंगे, कहीं जाएंगे तो ऑब्वियस बात है आपको प्यास लग जाएगा, कुछ खाने पीने का मन करेगा, तो अदर एक्सपेंसेस 500 मान के चले। तो 500 मतलब आपका रहने का, खाने का और अदर एक्सपेंसेस तीनों मिला के 1500 रुपया, मैं दरम में बता रहा हूँ, इंडियन करेंसी में नहीं बता रहा हूँ, 1500 दरम आपको पर मंथ चाहिए यहाँ पे अगर आप जॉब के लिए आना चाहते हैं। तो ये अपने दिमाग में आप ओवरऑल मान करके चले कि आपको 15 15 15
मतलब 3 महीने का पहले से ही वहाँ इंडिया से जुगाड़ करके आना है। जॉब मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पे वीजा स्टेटस चेंज हो जाएगा, अगर आपको सैलरी वगैरह मिलने लग जाता है तो इंडियन करेंसी आपका बच जाएगा। आप दुबई में अगर यहाँ पे आकर के जॉब सर्च करके जॉब करने लग जाते हैं तो आप कुछ कुछ अपने फैमिली के लिए अपने घर पे जो है कुछ परचेज करके भी ले जा सकते हैं या पैसा ही डायरेक्ट वहाँ पे ले जा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि दुबई में आने के बाद जॉब कैसे सर्च करें। जॉब सर्च करने का सबसे अच्छा तरीका है तो सबसे पहले तो आपको टॉप 10 साइट पर डालना है, डुबिजल में चेक करना है, रिज्यूम आपको बनाना है। जब आप सिम ले लेंगे तो सिम का नंबर आपको रिज्यूम में डाल करके उसका प्रिंट आउट ले लेना है अलग अलग तरीके से। जैसे सेल्स के लिए आप जॉब जा रहे हैं तो सेल्स का रिज्यूम दें, अगर आप किसी दूसरे के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे दूसरा अपना रिज्यूम उसी हिसाब से आप 2-3 तरह अलग अलग तरह का बना लें। हाँ, अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर डॉक्टर स्पेसिफिक कोई डिग्री के लिए आप यहाँ पे जॉब खोजने के लिए आ रहे हैं तो वो एक अलग की बात है, लेकिन मोस्टली मैं तो यही प्रेफरेंस दूंगा कि आप सब सेक्टर में ट्राई करें, जहाँ पे भी आपको शुरू में जॉब मिलता है, जहाँ से आपको वीजा मिलता है आप लें, उसके बाद अपने इच्छा अनुसार जो है बाद में भी जॉब खोज सकते हैं। फिर 2 साल का आपको वीजा मिल जाता है तो बाद में उस हिसाब से आप जॉब खोज सकते हैं। अभी तो थोड़ा नियम शायद मेरे ख्याल से चेंज हो रहा है, शायद वो लोग 3 साल का वीजा भी बना करके देंगे, तो आप देख लें। और मोस्टली जहाँ पे भी आप जॉब जाएंगे करने के लिए वहाँ पे आपको 15 दिन महीने भर शुरू में जॉब करा के वो चेक करता है आपका कैसा बोली चाली है, आपका व्यवहार कैसा है, रहन सहन कैसा है, वो ओवरऑल जो है चेक करता है कि आपका जो है कैसे हैं आप इंसान, और काम करने आता है कि नहीं। आपका डिग्री यहाँ पे ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आपके पास क्या डिग्री आप इंडिया से या पाकिस्तान से लेकर आ रहे हैं वो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आपका वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा मायने रखता है कि आपके पास कितना वर्क एक्सपीरियंस है, आप जो काम को किस तरीके से कर पाते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, और ये ओवरऑल जो चीज़ें हैं ना वो देख करके आपका जो है वीज़ा स्टेटस चेंज कर देते हैं। आपको वीज़ा कंपनी का देंगे, आपको प्रॉपर जो है इमिग्रेशन आईडी कार्ड मिलेगा, प्रॉपर इंश्योरेंस मिलेगा दुबई के अंदर, तो वो आपको हो जाता है जॉब। इस तरीके से मोस्टली यहाँ पे सर्च किया जाता है। इसके अलावा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि यहाँ पे जो है स्टेटस चेंज का क्या सीन है और इमिरेट्स आईडी कार्ड। देखिए, स्टेटस चेंज का ये सीन है कि पहले जब मुझे जॉब लगा था तो उस वक्त क्या हुआ था कि मुझे उन्होंने बोला था कि आप जो है इंडिया चले जाएं, मैं आपका वीजा भेजूंगा, और ई वीजा होता है बेसिकली वो, और आप उस पे आ जाइएगा अपना टिकट लेकर के। लेकिन अभी राइट नाउ क्या सिस्टम हो गया है कि बहुत सारे लोग यहाँ दुबई से ही स्टेटस चेंज कर देते हैं। अगर आप इंडिया नहीं जाना चाहते हैं, पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप रहेंगे ही, आपका जो विजिट वीजा है वो आपका खत्म हो जाएगा, तो उससे 2-4 दिन पहले आपका जो है ई वीजा स्टैम्प करा देते हैं, आपका कंपनी का वीजा स्टैम्प करा देंगे और स्टेटस चेंज हो जाता है। वो मोस्टली कुछ कंपनियां फ्री में करती हैं, कुछ कंपनियां उसके लिए पैसा पे करती हैं, तो वो आपको देना पड़ेगा, वो आप अपने हिसाब से देख लें क्या सिस्टम है उनका। लेकिन हाँ, कुल मिला के देखा जाए तो विदिन 15 डेज आपको इमिग्रेशन आईडी कार्ड वगैरह बन जाता है, जो आपका आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद इमिग्रेशन आईडी कार्ड आपको मिल जाएगा और वीजा स्टैम्प वगैरह हो जाता है। अभी शायद मेरे ख्याल से वो थोड़ा नियम चेंज हो रहा है, वीजा स्टैम्प का नहीं, अभी इमिग्रेशन आईडी कार्ड में ही सब आपको मिलेगा। मैंने मोस्टली जितने भी मेरे क्वेश्चंस कमेंट्स में आते हैं या मेरा जो फ्रेंड पूछता है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाने का कोशिश किया। अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके मन के अंदर ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं वो आप मुझे पूछें, उसका मैं कोशिश करूंगा वीडियो बना करके आपको जो है डिलीवर करने का, ताकि आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं आपको सही जानकारी देना चाहता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में मेरे से पूछें, मैं उसका जरूर वीडियो बना करके आपको लिंक भेजूंगा। तो चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। Let it hang.